जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों आपको बताया आपके जो वीडियो के एग्ज़ाम लगे हैं उसके लिए हम बूस्टर डोज लेकर के आ चुके हैं। बहुत ही कम समय में पूरा टॉपिक हम डिस्कस करके आप सभी से चले जाते हैं, तो देरी किस बात की दोस्तों। चलिए आज देखते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में देखेंगे, वर्ब के बारे में देखेंगे दोस्तों संपूर्ण तरीके से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि साथियों आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो री एग्जाम बूस्टर डोज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पर जाकर के आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया, आप देखिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की। आपको दोस्तों 9 वीडियो में मात्र संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर संपूर्ण हिंदी मिल जाएगा। और नीचे जैसे जैसे जाएंगे दोस्तों इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों बात हम करेंगे आज क्रिया की, ठीक है। क्रिया क्या होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए दोस्तों वही क्या होता है, क्रिया कहलाता है। क्या साथियों, जिस काम से किसी का करना या होना पाया जाए वही क्या होता है, क्रिया कहलाता है। जैसे दौड़ना, चलना, खाना पीना सब क्या है, क्रिया। कोई चीज़ खा रहे हो, क्रिया ही तो कर रहे हो। अब देखिए मेन चीज आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रिया का निर्माण किससे होता है। दोस्तों आपको बता दें धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, रखेगा कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, आप बताएंगे धातु के मूल रूप। अब धातु क्या मेटल, बिल्कुल नहीं दोस्तों, धातु अलग है। देखिए धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है, और धातु में दोस्तों हम प्रत्यय ना जोड़ दें, प्रत्यय मतलब जो पीछे का ना जोड़ दोस्तों क्रिया बन जाती है। देखिए समझिएगा कैसे, जैसे चलना हमारी क्या है, क्रिया है। देखिए चल और प्लस ना दो शब्दों से मिलकर बना है चलना। देखिए चल क्या है, यही धातु है दोस्तों, और ना प्रत्यय जोड़ दे हमने तो ये क्या बन गई, चलना बन गया। चलना ही क्रिया है, चल क्रिया नहीं दोस्तों, चल क्या है, धातु है। उसी प्रकार से दौड़ना में दौड़ क्या है, धातु है, और ना हमने प्रत्यय जोड़ा था, दौड़ना क्रिया बन गई। खाना में खा धातु है, ना प्रत्यय खाना बन गया ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु के मूल रूप से। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। नोट करके लिख लेंगे कि क्रिया से अगर प्रत्यय ना हटा दे दोस्तों तो मूल धातु प्राप्त हो गई, बिल्कुल सही। अगर दोस्तों खाना है तो खाना में से हमने दोस्तों अगर ना प्रत्यय हटा दिया तो खा बचेगा, खा क्या है, तो दोस्तों ये मूल धातु है। चलिए समझ गए। अब देखिए याद रखिएगा कि व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से दोस्तों धातु दो प्रकार का होते हैं। एक होता है दोस्तों मूल धातु, ये स्वतंत्र होते हैं यानी कि एकदम छोटे छोटे होंगे, जो दूसरे पर निर्भर नहीं होते, जैसे खा पी लिख है ना, इसमें ना जोड़ के हम दोस्तों क्रिया बना लेंगे। एक होते यौगिक धातु दोस्तों, जो स्वतंत्र नहीं होते, किसी प्रत्यय के योग से बनते, जैसे चलना से चला हो गया, खाना खिला है ना, देखा से दिखा, और पढ़ा से पढ़ा है ना, पढ़ना से पढ़ा दोस्तों ऐसे। चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों धातु, यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है, यौगिक धातु की रचना तीन प्रकार से होती है दोस्तों। जो यौगिक धातु हैं ये वाले, इनकी रचना तीन प्रकार से होती है। पहला नाम धातु, नाम धातु साथ में क्रिया भी लगाते हैं दोस्तों, नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। ये किससे बनता है दोस्तों, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को हम नाम धातु कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, संज्ञा या विशेषण साथ दोस्तों प्रत्यय लगाकर हम नाम धातु क्रिया बना लेते हैं। जैसे हाथ क्या है, अब संज्ञा कैसे बनेगा, देखिए हाथ हो गया संज्ञा, और आना क्या है क्रिया, तो संज्ञा में क्रिया लगाया तो हथियाना बन गया दोस्तों, हथियाना क्या होगा, नाम धातु, नाम धातु क्रिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात में देखिए, बात क्या संज्ञा और आना हमने लगा दिया दोस्तों क्रिया, तो बतियाना हो गया नाम धातु, ठीक है। लात संज्ञा और आना दोस्तों क्या है आपका, क्रिया है, तो लतियाना हो गया ना। उसी प्रकार विशेषण से बनते हैं, चिकना क्या है विशेषण है, आना क्या है क्रिया, चिकनाना दोस्तों ये क्या हो गया, नाम धातु। गर्म क्या है विशेषण, आना क्या है क्रिया, गर्माना दोस्तों क्या हो गया आपका, नाम धातु क्रिया, ठीक है। चलिए यौगिक धातु क्रिया होते हैं, यौगिक धातु क्या होता है दोस्तों, जो कि आपको बताते हैं दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग या धातुओं प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसको यौगिक धातु बोलते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है नहीं, चलना से चलाना, उठना उठाना, बैठना है ना, ये सब चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है प्रेरणार्थक क्रिया धातु, ठीक। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा प्रेरणार्थक, देखिए प्रेरणार्थक क्या होता है, किसी को प्रेरणा देना, यानी यहाँ पर क्या होता है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य करने को प्रेरित कर रहा। जैसे मैं क्या कहूँ कि अध्यापक बच्चों से पढ़वाता, देखिए अध्यापक खुद काम नहीं कर रहा, बच्चों से करवा रहा, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। समझ गए होंगे कि भैया जब कोई कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाए वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखिए इसमें समझिएगा कि मूल क्रिया में आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए प्रेरणार्थक क्या होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक प्रथम होगा एक द्वितीय। देखिए ये जैसे मान लिया क्रिया है दौड़ना, अब पूछेगा इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, दौड़ना। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनाते हैं, तो आना या लाना जोड़ के,
तो देखिए दौड़ना प्रथम था, आना जोड़ दे दौड़ाना दोस्तों प्रथम पदार्थक हो गई, और द्वितीय जोड़ने द्वितीय में कैसे बनेगा वाना लगा के, तो दौड़वाना दोस्तों ये द्वितीय होगा ना। देखिए दौड़ाना किसी से दौड़ा रहे और दौड़वाना किसी दूसरे से काम करवाना, यही प्रथा क्या होता है कि दूसरे से काम करवाना, ठीक है ये चीज समझ गईगा ना। ये सोना का सुलाना जिसमें लाना जुड़ जाएगा, और सुलवाना दोस्तों द्वितीय प्रणाथक ना, पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना द्वितीय हो जाएगा ना, और हंसना का हंसाना प्रथम और हंसवाना द्वितीय। देखिए समझिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछेगा देखिए प्रथम प्रणाथक कौन सा उदाहरण ना, तो आपको दे देगा तीन चार ऑप्शन, उसमें देखिएगा कि लास्ट में दोस्तों दोनों में बड़े आखिरी मात्रा होंगी। देखिए प्रथम प्रणाथक में दोनों लास्ट के दो शब्द लीजिएगा उसमें बड़े आखिरी मात्रा लगी होगी सभी में, है ना, यह प्रथम पढ़ा था। और द्वितीय पढ़ा था एकदम आसान था, इसमें वाना लगा होगा, हर एक सेंटेंस में वाना लगा मिल जाएगा, ठीक है ये चीज समझ गाऊंगा। चलिए अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता, देखिए राम खुद नहीं लिख रहे हैं, लक्ष्मण जिसे पत्र लिखवा रहे हैं, ये नया तहसीलदार पूछा गया, अभी यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, देखिए माँ खुद नहीं सामान लाना चाहती, पिताजी से मंगवा रही हैं, तो ये भी दोस्तों प्रेरणाधक क्रिया के ही उदाहरण होते, जब कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है यार। अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्तव्य पड़ता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिसमें कर्म ना हो, जैसे चलना हो गया, अब आप चल के आएंगे, आप बोलेंगे भैया हम चल के आए, बोलेंगे कहाँ कितना चल के आए, तो आप क्या कुछ दिखा पाएंगे, नहीं, कोई कर्म नहीं हो रहा, सोना कोई कर्म नहीं, उठने रोना रोना नहाना हंसना इसमें कर्म नहीं होते, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्या है अकर्मक क्रिया है। पहचान क्या होगा दोस्तों, अब देखिए अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, याद रखिएगा कि क्या का प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता दोस्तों तो वो अकर्मक हो, जैसे राम खाता है तो आप कहेंगे क्या खाता है, जैसे कहा कि राम खाता है तो आप पूछेंगे क्या का क्वेश्चन करेंगे क्या खाता है, तो आपको नहीं मिलेगा भाई कुछ नहीं खा रहा, अगर वो कहता राम आम खाता तो सकर्मक होता, अब इसमें आपको क्या का आंसर नहीं मिला, इसलिए दोस्तों ये अकर्मक क्रिया होगी, यूपीएसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया कि मोहन सोता है दोस्तों तो क्या सोता है, पता नहीं है, राम खेलता है क्या खेलता है, सीता गाती क्या गा रही, तो पता नहीं दोस्तों, इसीलिए अकर्मक क्रिया हो जाएंगे, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है दोस्तों वहां सकर्मक क्रिया होती है, यूपीएसआई में ये इसका उदाहरण भी पूछा गया और दोस्तों डिफिनेशन भी पूछी गई ना। अब दोस्तों क्या का प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिलेगा, जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, देखना, जैसे राम सेब खाता क्या खाता है, राम तो सेब खाता, बिल्कुल सकर्मक हो गया, यूपीएसआई में पूछा गया। राम क्रिकेट खेलता है दोस्तों क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसका भी आंसर मिल गया, यानी कि समझ रहे होंगे, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। सकर्मक क्रिया भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। दोस्तों एक कर्मक का तो जिसमें एक ही कर्म होता है, जिस वाक्य में एक ही कर्म हो, जैसे अध्यापक ने राधा को पढ़ाया तो राधा को दोस्तों ये क्या हो गया, एक ही कर्म है। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया दोस्तों एक ही कर्म है, तो ये एक कर्मक हो गया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों द्विकर्मक क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे दोस्तों द्विकर्म हो, देखिए द्विकर्मक में क्या होगा, वह वाक्य जिसमें दो कर्म हो, जैसे एक मुख्य कर्म होगा एक गौण कर्म। देखिए मुख्य कर्म क्या होता है, ये हमेशा निर्जीव होगा और क्रिया का ठीक पहले आएगा तथा विभक्ति रहित होगा, और गौण कर्म क्या होता है, यह सजीव होगा और मुख्य कर्म से पहले आएगा तथा विभक्ति के साथ हो जाए। जैसे कि समझिए, जैसे श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, देखिए यहाँ बांसुरी और रीना दो कर्म है। अब देखिए ये जो बांसुरी दोस्तों, ये देखिए निर्जीव है और इसमें दोस्तों कोई भी क्रिया ठीक पहले आई है, क्रिया ठीक पहले आई है, तो ये दोस्तों मुख्य कर्म हो जाएगी, ये दोस्तों क्या होगी गौण कर्म ना, ये मुख्य कर्म होगा ये गौण कर्म। जैसे बच्चों ने अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, दोस्तों हिंदी क्या है मुख्य कर्म और छात्र क्या गौण कर्म, तो ये समझ गए होंगे। अब क्रिया के अन्य भेद क्या होते हैं दोस्तों, सामान्य क्रिया, देखिए ये क्या होता है, इसमें एक कार्य और एक ही क्रिया संपन्न होती है, जिसमें दोस्तों एक ही कार्य हो और एक ही क्रिया हो दोस्तों वो सामान्य क्रिया। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, यहाँ देखिए केवल एक ही क्रिया हो रही काम पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए सहायक क्रिया क्या होता है दोस्तों, समझिएगा मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को सहायक क्रिया कहते हैं दोस्तों, ये आप यूपीएसआई में पूछा गया, ये अर्थ को पूर्ण करती है दोस्तों सहायक क्रिया, ये आपका पूछा गया तथा काल का बोध कराती है। देखिए सहायक क्रिया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे इज एम आर दोस्तों, वही जैसे हम कहते हैं कि मोहन अखबार पढ़ता दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अधूरा सा लग रहा है, पढ़ता है हमने लगाया तो दोस्तों सहायक क्रिया है होता, ये पूरे अर्थ को सही ढंग से व्यक्त कर देगी ना। मैं घर जा रहा हूँ तो रहा हूँ, देखिए हूँ है ना, ये क्या है दोस्तों सहायक क्रिया है, तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं दोस्तों इसमें है क्या सहायक क्रिया, है ना, सीता खाना बना रही तो है, तो दोस्तों ये क्या होगा सहायक क्रिया, तो ये है हूँ ये सहायक क्रिया होते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नाम बोधक क्रिया क्या होती है, नाम बोधक क्रिया वे क्रिया होती है जो संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़कर दोस्तों क्रिया बनाती, वो नाम बोधक क्रिया होती है। जैसे लाठी और प्लस मारना लाठी मारना, खून प्लस खोलना, देखिए संज्ञा लाठी और मारना दोस्तों क्रिया है, खून प्लस खोलना खून खोलना दोस्तों ये क्या है नाम बोधक क्रिया, ठीक है।
चलिए पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों ये पूछिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए क्या होता है, यदि वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त होते हैं और उनमें से एक क्रिया पहले आरंभ होती है और पूर्व में ही समाप्त हो जाती है तथा दूसरी क्रिया दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है ना। पहली क्रिया क्या होगी, देखिए कहने का सिंपल सा अर्थ यह है कि इसमें दो क्रिया होंगी, जिस वाक्य में दो क्रिया हों और एक क्रिया पहले होगी और पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं दोस्तों, समझिएगा। और इस क्रिया की पहचान क्या होगा दोस्तों, मतलब इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ट्रिक की बात करें तो हर क्रिया में दोस्तों क्या लगा होगा, कर लगा होगा। जैसे चोर उठकर भागा, देखिए तो यहाँ पे कर लगा मिल गया दोस्तों, ये पूर्वकालिक क्रिया है ना। उठकर देखिए, पहले उठा, उठने वाला काम समाप्त कर लिया, फिर वो भागा, तो उठकर दोस्तों कर लगा मिला, यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। अगला है सीमा देखकर निबंध लिखती है, देखिए सीमा क्या करती है, पहले देखती है फिर निबंध लिखती है, देखने वाला काम पूरा करती है फिर से वो लिखना करती है ना, तो कर लगा मिल गया दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में। श्याम नहाकर भोजन करता दोस्तों, कर लगा मिल गया। मोहन देखकर लिखता दोस्तों, कर लगा मिल गया, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम करने लगे वो दोस्तों क्या होता है, आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृदंत क्रिया का दोस्तों इसमें आप बता दें कि धातुओं में ना प्रत्यय अलावा अगर कुछ भी जोड़ा था दोस्तों वो कृदंत क्रिया कहलाती है, दौड़ना। तो देखिए पहला क्या है, ना प्रत्यय के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला क्रिया क्या होता है, कृदंत करता है ना, कृदंत क्रिया। देखिए ना हटाते हम दोस्तों ये वाला, तो देखिए दौड़ता भी हो जाएगा, दौड़कर हो जाएगा, कर लगा दे दौड़ा हो गया, दौड़ेंगे है ना, एगा लगा दौड़ेगा दोस्तों, ये सब चीज़ें क्या है, कृदंत क्रिया जैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सजातीय क्रिया दोस्तों समान चीज धातु से मिलकर बनती है, जैसे समान क्रियाओं से, जैसे कि चाल चली, राम ने नहीं चाल चली, चाल चली दोस्तों समान है। गीत गाया, गीत गाया, हिमालय चढ़ाई चढ़ी दोस्तों, लड़ाई लड़ी दोस्तों, ये सब क्या है, सजातीय क्रिया। देखिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा हमने बताया था, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग आए, मतलब कि सामने प्रयोग आ जाए दोस्तों, मतलब पहले प्रयोग आए, जैसे संज्ञा प्रथम प्रयोग होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा। देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, देखिए टहलना क्या है, क्रिया है दोस्तों, ये बाद में आना चाहिए मगर पहले आ गया संज्ञा के स्थान पे, इसलिए इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मरना देश के लिए कीर्तिदायक, देखिए मरना क्या है, क्रिया है, वो लास्ट में आना चाहिए मगर दोस्तों पहले आ गया, तो दोस्तों ये क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। चलिए संयुक्त क्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो, देखिए जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती दोस्तों उससे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर पहुंच गया, देखिए पहुंच गया, दो शब्द दो दोस्तों ये क्रियाएं हैं, पहुंचना भी क्रिया गया भी क्रिया, मगर दोनों दोस्तों मिल के प्रयोग में आए इसलिए इसको संयुक्त बोलते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना, जो दोस्तों दो धातु या दो क्रियाएं मिल करके आपस में एक क्रिया निर्माण करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। देखिए जैसे राम घर पहुंच गया है ना, उसने खाना खा लिया, तो खा भी एक क्रिया होता और लिया भी एक क्रिया होता ना, खा लिया, ठीक है। चलिए इसको दिखाते हैं, जैसे पढ़ने लगा, तो पढ़ना भी एक क्रिया है, लगा भी एक क्रिया, दोनों मिलके दोस्तों संयुक्त हो गए ना। और दोस्तों इनके भेद कितने हैं, टोटल 11 है ना। चलिए एक आध उदाहरण दिखाते हैं, बाकी ज़्यादा आपको करना नहीं है। जैसे वह खाना, वह खा चुका है, तो खाना भी एक क्रिया है, ईट है ना, और चुका भी एक क्रिया है, गा चुका, गाना, सिंह भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है ना। इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, है ना। रह पाया, तो रहना भी एक क्रिया है, पाया भी एक क्रिया है ना। जाने दो, तो दोस्तों जाना भी एक क्रिया और देना भी एक क्रिया है ना। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आप चीज़ समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों थैंक यू। अब दोस्तों आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहाँ आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। और दोस्तों ये हमारी क्या है, ई बुक है, अगर आप चाहते हैं इसे परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों, मात्र 50 रुपये में। आपको इसी नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको ये ई बुक प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, वर्णमाला होगा, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मात बोधक, समुच्चय बोधक, निपात है ना, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रसन, अलंकार, समास, संधि, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। देरी किस बात की, ले सकते दोस्तों, ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको काम आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।